प्रिंसिपल्स ये क्या है? सिद्धांत। सो PRINCIPLES, ठीक है, प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स। लेड डाउन, LAID, लेड, ठीक है, ले डाउन होगा तो ऐसे बनेगी आउटलाइन, ले डाउन, ठीक है। वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, शायद एक बार ये व्हाट्सएप स्क्रीनिंग वो हो गई थी, व्हाट्सएप स्क्रीनिंग ऑन करता हूँ। विजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहला जैसे मैंने बोला प्रिंसिपल्स, सो प्रिंसिपल्स ये कौन सा है? सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है, ठीक है। सो PRINCIPLES, ठीक है, प्रिंसिपल्स। लेड डाउन, अब लेड डाउन होता तो आउटलाइन ऐसे बनाते, लेड डाउन है तो लेड पूरा बनेगा और डाउन उसी के साथ ज्वाइंट होगा, लेड डाउन, क्लियर है। या इन द सेड डिसीजन कैन नॉट हैव एनी एप्लीकेशन इन द प्रेजेंट केस, ऑल दो द डिसीजन रेंडर्ड इन दिस केस इन द डिसीजन अंडर द, अब ये एक्ट का नाम हो गया कौन सा? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब आर्बिट्रेशन का ए कैपिटल, कंसिलिएशन का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, क्लियर है। अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। अब एक्ट के बाद कभी भी आपको ईयर मिल जाएगा ना, ठीक है, एक्ट के बाद, तो वहां एक्ट जो आप लिखोगे ACT, उसके जस्ट बाद कॉमा आएगा। जैसे मैंने बोला कि इनकम टैक्स एक्ट 1965, तो एक्ट के बाद कॉमा, इनकम, फिर टैक्स, फिर एक्ट, फिर कॉमा एंड फिर 1965, क्लियर है। या अच्छा, उसके बाद बोलता हूं मैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द एपिलांट, इट इज नेसेसरी टू मेंशन हियर दैट द कोर्ट डज नॉट हैव, कोर्ट कैपिटल आएगा, ठीक है, डज नॉट हैव एनी पावर टू एक्सटेंड द, ठीक है। अब यहाँ टू एक्सटेंड आएगा, एक्सटेंडेड नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ टू, क्योंकि टू आ गया, टू के बाद हमेशा सिंपल फॉर्म आएगी, ठीक है। टाइम अंडर द एक्ट, ठीक है, अब ये किसकी बात करें? टाइम अंडर द एक्ट की, कानून के अंडर, ठीक है, जो लॉ है, जो एक्ट है, कानून है, उसके अंडर। तो कानून आएगा तो बड़ा आएगा ACT, अनलाइक सेक्शन 28। अब ये चीज मैंने आपको बताया था, कभी भी आपके पास रेंज में गिनती हो 28, 22, 500, 506, उससे पहले सेक्शन हो, क्लास हो, क्लास हो, ठीक है, तो कैपिटल आएंगे, क्लियर है। हाँ, तो सेक्शन 28, सेक्शन का एस कैपिटल। उसके बाद है 28 ऑफ द 1940 एक्ट विच हैड सच ए प्रोविजन स्टॉप द कोर्ट हैज देयर फोर, अब देयर फोर यहाँ पे कॉमा नहीं लगा रखा, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ कॉमा लगाएं, तो देयर फोर बीच में आए तो इसका मतलब आगे और पीछे कॉमा लगेगा, ठीक है। बीन डिन्यूड ऑफ द पावर टू एनलार्ज टाइम फॉर मेकिंग एंड पब्लिशिंग एन अवार्ड स्टॉप, इट इज ट्रू दैट अपरेंटली देयर इज नो प्रोविजन अंडर द एक्ट, कि कानून के अंडर कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है, तो कानून आएगा तो एक कैपिटल रहेगा, फॉर द कोर्ट सी कैपिटल टू फिक्स ए टाइम लिमिट फॉर द कंक्लूजन ऑफ एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, बट द कोर्ट कैन ऑप्ट, ओपीटी की ऑप्ट, ओपीटी ऑप्ट, ठीक है, क्लियर है। टू डू सो इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स इनहेरेंट पावर, ठीक है, ऑफ इट्स, इट्स होएगा तो बीच में से काटेंगे, इट इज होगा तो एज इट इज रखेंगे, ठीक है। बात आती है इनहेरेंट, इन है रेंट होगा तो एंटी हाफ, ठीक है, इनहेरेंट, क्लियर है, इनहेरेंट, ठीक है। या उसके बाद इनहेरेंट पावर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी स्टॉप वेहर हाउ एवर द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रोवाइड द प्रोसीजर PROCEDURE फॉर एनलार्जमेंट ऑफ टाइम
एंड द पार्टीज हैव टेकन रिकोर्स टू इट एंड कंसेंटेड टू द एनलार्जमेंट ऑफ टाइम बाय द आर्बिट्रेटर द कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स इनहेरेंट पावर इन एक्सटेंडिंग द टाइम फिक्स्ड बाय द पार्टीज इन द एब्सेंस ऑफ द कंसेंट ऑफ आइदर ऑफ देम स्टॉप पैरा द काउंसिल फॉर द एपिलांट या काउंसिल जो है वो सी ओ यू एन एस ई एल आएगा, सी ओ यू एन सी आई एल वाला नहीं आएगा, ठीक है, वो काउंसिल है, ये काउंसिल है, ठीक है, सी ओ यू एन एस ई एल फॉर द एपिलांट फर्दर कंटेंडेड दैट द हाई कोर्ट एस कैपिटल सी कैपिटल कुड नॉट हैव टर्मिनेटेड टी ई आर एम आई एन ए टी ई डी द मैंडेट ऑफ द आर्बिट्रेटर स्टॉप विद रेफरेंस टू द क्लियर है, विद रेफरेंस टू द बन जाएगा, ठीक है, contention made by the appellant that the arbitrator having concluded the proceedings could not be said to arbitrator having sorry ye to ho gaya have failed failed to act so and so as to attract to act ka matlab kya hai yahan karya karna theek hai act act failed to act ki kanun banane mein asamarth nahi hai wo kaam karne mein asamarth hai theek hai ki wo fail ho gaya to failed to act to yahan pe act chhota rahega so as to attract the provision of section 14 of the act section 14 s capital 14 aa gaya to s capital ho gaya aur act aaya to kanun ka naam de rakha hai ki section 14 of the act ki kanun ke under aane wala jo section hai wo capital hai theek hai aur act ka o capital which will call for termination of the arbitration proceeding stop it is pertinent to mention here that the arbitrator had not concluded the proceedings as had been agreed to by the parties within the time fixed for doing so stop it is an established statement that the said mandate of the arbitrator was terminated only because of the fact that the arbitrator having failed to conclude his proceedings within time did not warrant WARRANT to be continued अब यहाँ to be के बाद कौन सी फॉर्म आई है ईडी फॉर्म आई है continued ठीक है या as an arbitrator in the absence of the consent of both the parties stop it is clear that the arbitrator had extended the time provided to it without any concrete ठीक है अब when और without की outline देख लो when ऐसे होता है as it is विदाउट को भी तो करना पड़ेगा क्योंकि हम बनाते हैं विदाउट को ऐसे तो हम इसको वैन पढ़ देते हैं ठीक है इसलिए विदाउट के लिए हम क्या करेंगे बीच में से काट देंगे वैन पॉजिटिव लिखेंगे ठीक है विदाउट एनी कंक्रीट सी ओ एन सी आर ई टी ई सी ओ एन सी आर ई टी ई रीजंस व्हाट सो एवर एंड थस एंड के बाद कॉमा थस के बाद फिर अगेन कॉमा ठीक है थस अगर बीच में आते तो आगे पीछे कॉमा लगेगा ठीक है His mandate was liable to be terminated. Subsection 1, अब ये चीज मैं बता दूं subsection के बाद अगर कोई भी आपको नंबर दिया जाता है ठीक है वो हमेशा विद इन ब्रैकेट में आएगा subsection 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो तो उसको विद इन ब्रैकेट में लिखेंगे ठीक है क्लियर है Further states that the mandate of an arbitrator shall also stand to be terminated if he withdraws or the parties agree to the termination stop. So ये आपकी explanation थी और वो थी ठीक है dictation के अंदर जो आपने कल dictation type की थी उसके अंदर अब आप यहाँ पे अपनी mistake मिलाओ और उसको practice करो ठीक है